राम राम भाई। ये अमृतसर जामनगर वाला रोड है, इस पे गाड़ी ना लाए, यहाँ पे गाड़ियाँ फंस रही है बहुत बुरी तरीके से। ये सुखपाल भाई हमारे, सुखपाल भाई बताएंगे अब क्या पोजीशन है इधर की, क्या मैसेज दोगे ड्राइवर भाइयों को अपने उधर? निकल जाएगी गाड़ी, एक फंस गई ड्राइवर के बेवकूफ़ से। अच्छा, निकल जाएगी। तो इधर से वो कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या इधर से आने में उधर से जाने में? फर्क तो पड़ेगा ना यार, शॉर्टेज रास्ता है, अभी कंप्लीट होने के बाद में फर्क ही फर्क है। और गाड़ी फंस गई, इसने हाइड्रा वाले ने पैसे ले लिए, तो ये 10,000 बगैर तो मान ही नहीं रहा है। अपनी रिक्स है वो तो, है ना। अच्छा, एडिटिंग तो कर रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ किस्मत है वो तो अपनी, अब देखते हैं। यूट्यूब पे अब ये देख लो, वहाँ फंसाता ही है, 100 मीटर पहले फंस गई इसकी गाड़ी, वहाँ से ये हाइड्रा वाला यहाँ तक ले आया इसको खींच खींच के। ताकत ही नहीं कर रही है इसकी गाड़ी, वहाँ से यहाँ तक लेके आया, इतने में बुढ़ापा आ गया, क्लच प्लेट की बास आ रही है यहाँ तक, इतनी दूर। मैं गाड़ी से 20 फुट दूर बैठा हूँ, 20 के 30 फुट ही मान लो आप। जो तो अंडरलोड गाड़ी है, 42 टन वजन है इसके अंदर। ट्रॉली का वाट करो, वाट वाट आ रही है ट्रॉली में, थोड़ी मिट्टी निकालो। तो सुखपाल भाई ने हमने जो गलती करी है आप ना करें, आप उधर से आए अभी, जब तक ये पूरा एक्सप्रेस वे नहीं बनता है, फिर पूरा कंप्लीट होने के बाद सीधा सातलपुर उतरेंगे अपन, बालोतरा से चढ़ेंगे जो कल्याणपुर से चढ़ेंगे, इधर उतरेंगे अपन सांतलपुर। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए, नितिन जी रोड बना रहे बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।